इधर एक मैं प्लांट आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लांट मैंने अभी तक किसी नर्सरी में नहीं देखा है। इसके जो लीव्स हैं ये काफ़ी मीठे होते हैं और शुगर से लगभग 300 गुना इनकी मिठास होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आए हैं एक नर्सरी विजिट पर और नर्सरी का नाम आप देख रहे हैं प्लांट जोन एंड लैंडस्केपर। थोड़ा सा सीज़न ऑफ है तो जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो अभी मैंने पता किया है, यहाँ पर लगभग 10-15 दिन के बाद इनके पास पौध भी आ जाएगी और एक महीने बाद प्लांट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो जो प्लांट इनके पास हैं वो परमानेंट प्लांट हैं और वो 12 महीने रहते हैं, तो वो वाले प्लांट इनके पास मिल जाएंगे, जैसे पाम की वैरायटी है। तो मैं बात कर रहा था पहले एड्रेस की, तो एड्रेस रहेगा रुड़की से जो अपना दिल्ली रोड जाता है उस पर, ये रुड़की से निकलते ही सार राइट साइड में इनकी नर्सरी है और नाम है प्लांट जोन। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और प्लांट बाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं नर्सरी इनके पास क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, गोल्डन ब्रश का प्लांट है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। प्लांट की हाइट भी 3-4 फीट लगभग होगी और काफ़ी मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। ये लगभग 10 इंच का ग्रो बैग है जिसमें मेंटेन कर रहे हैं इसको, और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी हैं। तो अगर प्राइस की बात करूँ तो क्या प्राइस होगा इसका? लगभग 400। तो 400 प्राइस है और रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। इसी के पीछे एक पाम की वैरायटी है, एरिका पाम, लगभग 5-6 फीट की हाइट के प्लांट हैं और प्राइस इनका 350 के आसपास बता रहे हैं और काफ़ी मैच्योर प्लांट हैं। आप ले जाइए और बड़े से गमले में इनको आप शिफ्ट कर दीजिए और आपके गार्डन में ग्रीनरी एकदम से शुरू हो जाएगी। उसके फॉक्सटेल पाम है और ये भी 7-8 फीट लगभग ऊँचे हो गए हैं। और अगर आपको कहीं ऐसी ज़रूरत है कि आपको बड़े प्लांट बाई करने हैं और बड़े प्लांट आपको लगाने हैं तो यहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं और अच्छे प्लांट ये दिख रहे हैं। और इनके भी प्राइस की अगर बात करें 500 इनका प्राइस है। और पीछे अगर बात करें कुछ और प्लांट आप देख रहे हैं, ये देखिए बिस्मार्क है, ये पाम की ही वैरायटी है, पाम की वैरायटी है और लगभग 500 इसका प्राइस है और देखने में काफ़ी यूनिक लग रहा है ये। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप इसको बाई कर सकते हैं। और इधर साथ में कुछ बेल्स हैं, मधुमालती की ये बेल हैं और इनके जो फूल हैं वो काफ़ी सुंदर होते हैं और पिंक कलर के, पिंक और वाइट के आसपास के इसके फ्लावर होते हैं और गुच्छों में आते हैं ये पूरे बल्क में। जोरा का भी फ्लावर जो होता है वो बंच में ही आता है। और ये फ्लावर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनके पास अभी पिंक कलर है, इनमें काफ़ी सारे कलर भी आते हैं और भी रेड भी आता है, मैंने रेड भी देखा हुआ है, रेड कलर भी आता है। इसके पीछे ये देखिए ये गुड़हल है, गुड़हल में भी काफ़ी वैरायटी आती हैं। और पीछे इनके कुछ फ्रूट के प्लांट हैं, इनमें ये गवावा आप देख रहे हैं, ये देखिए ये अमरूद की वैरायटी 1 kg वाली है। एक प्लांट मैंने भी आपको दिखाया था, मैंने लगाया हुआ है पहले वो प्लांट, वो भी 1 kg का ही है और उस पर वाकई में ही इस बार जो अमरूद आया है वो 1 kg के हिसाब से ही आया, 1 kg का नहीं था लेकिन 1 kg का टाइप दिख रहा था वो। साथ में नीम के हैं कुछ, इधर पपाया है, पपाया के साथ में फिर आपको देखिए बनाना का है, को सही कहा आपने, हारसिंगार और पारिजात भी बोलते हैं इसको, ये कई नामों से जाना जाता है। और इसके प्राइस कितना होगा? इसका प्राइस 50 rupees इसका प्राइस है, 50 rupees में रीजनेबल प्राइस मुझे लग रहा है और 50 rupees में आप इसको बाई कर सकते हैं। इसका फ्लावर काफ़ी अच्छा होता है, छोटा सा फ्लावर आता है और ये लीली है शायद, स्पीकर लीली है। और क्या कॉस्ट रखी हुई है इसकी? 100 rupees है और प्लांट काफ़ी मैच्योर हैं, बड़े प्लांट हैं। और इधर एक कुछ मैं फ्लावरिंग प्लांट देख रहा हूँ, लैंटेना प्लांट हैं, इसमें 2 colors मुझे दिख रहे हैं, एक तो रेड कलर है, ये देखिए ये रेड कलर है और साथ में ये येलो कलर है, 4-5 colors इसमें होते हैं और 1-2 colors और इधर भी देखिए ये ऑरेंज कलर इसमें दिख रहा है प्लांट में, तो कई तरह से इसमें भी कलर हैं। उधर पीछे शायद लीची के पेड़ लगाए हुए हैं, लीची की भी इधर देखिए ये वैरायटी इनके पास है लीची भी। और इधर आइए आगे, और भी काफ़ी वैरायटी इनके पास है, ये पाम है, पाम की वैरायटी है ना, पीपल है, ये पाम है, ये लोएस्टेना पाम है, लोएस्टेना पाम है, पीपल है। इधर कुछ ये रोज़ हैं, रोज़ भी मुझे बाहर के लग रहे हैं मिट्टी से, क्योंकि इनकी लाल मिट्टी है तो बाहर के ही होंगे। क्या प्राइस है इनका? 100 rupees।
₹100 प्राइस है और बाहर की ये वैरायटी है, इधर और ₹100 बर्ड का प्राइस है और पीछे वो कॉपिया है, कॉपिया के पीछे चांदनी है, छोटे वाली चांदनी है ना, चांदनी का प्राइस क्या है? ₹50 चांदनी का प्राइस है और पीछे शमी है, शमी का ₹120 प्राइस है और शमी भी काफ़ी अच्छा माना जाता है घर में लगाने के लिए, काफ़ी लोग लगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो ये भी आप बाई कर सकते हैं। इधर गुड़हल मैं देख रहा हूँ साथ में ही, गुड़हल हिबिस्कस की कई सारी वैरायटीज मुझे दिख रही हैं और प्राइस भी इनके काफ़ी सारे इसमें कलर आते हैं और ये भी बार की वैरायटी मुझे लग रही है क्योंकि मिट्टी इसकी भी रेड है। तो क्या प्राइस इसका रखा हुआ है? ₹200 इसका प्राइस है और बड़े प्लांट है काफ़ी इधर। और ये देखिए अमरूद, इसमें इधर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं और इलाहाबादी अमरूद है, ये कलम से इसको ग्रो किया हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे के सारे जोड़ कलम से बनाए हुए हैं। ये देखिए इलाहाबादी अमरूद है और इसका क्या प्राइस है? सर इसका ₹150 प्राइस है क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी है। इधर लेमन के प्लांट हैं इनके पास, ऑरेंज के प्लांट हैं, ऑरेंज का क्या प्राइस है इसका? ₹100 प्राइस है, बड़े प्लांट हैं। और इधर लेमन ग्रास है साथ में ही, लेमन ग्रास भी काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट इनके पास दिख रहे हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं इस प्लांट में। तो इसका क्या प्राइस आपने रखा हुआ है? ₹50 इसका प्राइस है और बड़े बड़े प्लांट हैं, इसके पीछे लेमन है। और लेमन का क्या प्राइस है? लेमन ये ₹200, ये पतले वाला शायद जिसका छिलका होता है और इसमें रस ज़्यादा होता है, वही है ना? हाँ, क्योंकि कागजी वाला है ये, इसको कागजी बोलते हैं। पीछे फ्रूट के और प्लांट मुझे दिख रहे हैं, कुछ नाशपाती है, आड़ू है, चीकू है, तो ये सारा इधर जो पूरा सेक्शन है ये फ्रूट का है, तो ये भी आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। उधर मैं देख रहा हूँ जामुन के भी कुछ पेड़ हैं, हाइब्रिड सब वैरायटी के कलम वाले हैं, वैसी वैरायटी नहीं है, सारी अच्छी वैरायटी के इनके पास प्लांट हैं और आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं। ये अंजीर, हाँ ये काफ़ी पौष्टिक है अंजीर भी, मैंने लगाया हुआ है प्लांट और काफ़ी बढ़िया माना जाता है। और प्लांट आप देखिए कितने बूसी और हेल्दी प्लांट हैं इनके पास, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं प्लांट और 8-10 इंच का ग्रो बैग है जिसमें ये लगाए हुए हैं और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। क्या प्राइस इसका आपने रखा हुआ है? ₹200 प्राइस है। मैं भी काफ़ी दिन पहले एक लेकर आया था, मैं थोड़ा दूर से लाया था तो मुझे 150 का मिल गया था। रुड़की में आप लेंगे तो रुड़की में ज़्यादा ऑप्शन इतने अच्छे अच्छे प्लांट के नहीं होते हैं, तो इनके पास है तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। इधर कुछ और इनके पास पाम के बड़े बड़े प्लांट हैं, अच्छी वैरायटी हैं। और इधर फाइकस है, फाइकस भी देखिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। मैं तो जब भी किसी नर्सरी में जाता हूँ तो देखता हूँ कि फाइकस हमेशा खुश रहता है, कि ये प्लांट हार्डी प्लांट होता है, इससे ज़्यादा कुछ कभी होता नहीं है। और ये इधर साइकस के प्लांट हैं, ये देखिए मैच्योर प्लांट काफ़ी लग रहे हैं। और इधर साथ में परमानेंट वाले रोज हैं जो आप 12 महीने इनसे फ्लावर भी ले सकते हैं। इधर इनके पास सीडलिंग ग्रो कर रहे हैं अभी और छोटे छोटे ही अभी इन्होंने लगाया, ये सदाबहार के प्लांट हैं। और ये इधर, और इधर देखिए एलोवेरा है और एलोवेरा के साथ में तुलसी जी हैं और कुछ जेड प्लांट भी हैं इनके पास, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इस नर्सरी में मुझे देखने को मिल रहे हैं। इधर सेलम है, ये जनाडू है, जनाडू है, ये जनाडू है, इसका भी प्राइस क्या है? 100 जनाडू इधर है, सेलम है, हाँ मिक्स है ये, मुझे जनाडू भी दिख रहा है, सेलम भी दिख रहा है, हाँ जी। तो ये दोनों आप बाई कर सकते हैं, इधर से ₹100 प्राइस है। और एक मैं प्लांट आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लांट मैंने अभी तक किसी नर्सरी में नहीं देखा है और इसको मीठी तुलसी भी बोलते हैं, शुगर फ्री भी बोलते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, स्टीविया भी बोलते हैं इसको, शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको काफ़ी समस्या रहती कि शुगर का ऑप्शन क्या लें। पल्लू भाई साहब बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है और शुगर फ्री नाम भी है इसका। इसके जो लीव्स हैं ये काफ़ी मीठे होते हैं और शुगर से लगभग 300 गुना इनकी मिठास होती है, तो ये एक मुझे बहुत ही यूनिक लगा यहाँ पर। और आप ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी लगता है कि इस तरह के पेशेंट आपके आसपास हैं और उनको कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, जिसका कोई, क्योंकि आप प्रकृति से जितने भी जुड़े हुए सामान होते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट इतना नहीं होता जितना केमिकल वाले पदार्थों से होता है, तो अगर इसका सेवन करेंगे तो मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा।
और इसकी जो मिठास है वो लगभग 300 गुना है शुगर से। तो मैं चख के देखता हूँ कैसा है ये। वाकई में ये काफ़ी मीठा है, मिठास इसकी इतनी ज़्यादा है कि इसका वाकई में नाम जो है शुगर फ्री वो बिल्कुल ठीक है। और क्या प्राइस है इसका? 100 रुपीज़ इसका प्राइस है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी के हिसाब से प्राइस इसका कुछ भी नहीं है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये प्लांट है। और इधर क्रोटोन की वैरायटीज़ रखी हुई हैं, इधर भी कुछ ये वैरायटीज़ सारी क्रोटोन की हैं, इधर बोनसाई हैं, ये बोनसाई की वैरायटी भी इनके पास काफ़ी हैं। और अच्छी बड़ है, पीपल है, पिलखन भी है, पिलखन भी काफ़ी अच्छा प्लांट होता है बोनसाई में, तो ये भी एक ऑप्शन है बोनसाई का। और इनके प्राइस क्या है? 500 के प्राइस है इनके, और काफ़ी अच्छे प्राइस है क्योंकि बोनसाई में काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ये भी काफ़ी पुराने प्लांट हैं, तो इस हिसाब से तो 500 रुपये बहुत ही अच्छे प्लांट प्राइस इनके हैं। इधर कुछ मैं देख रहा हूँ गोल्डन इनके पास हैं, और उसके साथ में एक और प्लांट है जो काफ़ी डेकोरेटिव प्लांट लग रहा है मुझे, इधर क्रोटोन की और वैरायटी हैं। तो गोल्डन मेरी प्लांट का क्या प्राइस है? 130। तो 130 इसका प्राइस है, और बाकी इनके पास काफ़ी और प्लांट हैं, किसी और वीडियो में फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे कि अलग अलग वैरायटीज इनके पास और क्या क्या अवेलेबल है, फिर आता रहता हूँ मैं। तो ये बड़े बड़े देखिए मोर पंखी भी इनके पास बड़ी बड़ी वैरायटी में इनके पास पेड़ हैं, और काफ़ी अच्छे दिखने में अट्रैक्टिव लग रहे हैं। प्लांट का साइज़ आप देखिए, काफ़ी बड़े प्लांट इनके पास हैं ये देखिए। और इसका प्राइस 500 रुपीज़ इसका प्राइस है, और कुछ और अलग अलग वैरायटीज हैं, तो कोई 500 है, कोई 400 है, और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं प्लांट, बुशी प्लांट हैं एकदम से। और कलर इनका, इनकी ग्रोथ आप देखिए कितनी बेहतरीन चल रही है अभी, तो ये भी एक ऑप्शन है, आप बाई कर सकते हैं इधर आकर। तो मैंने सब दिखा दिया आज का, तो इस पूरी नर्सरी का हाईलाइट जो प्लांट है वो ये है शुगर फ्री। मैं किसी को आवश्यकता हो तो यहाँ से आकर ख़रीदे, और मात्र 100 रुपीज़ का ये प्लांट है। किसी को अगर बेनिफिट हो सकता हो हमारी किसी काम से, किसी बात से, तो वो होना चाहिए, और ऐसे ही प्यार बांटते रहिए, बांटने से बढ़ता रहता है। और इसी के साथ मैं आपको ये एक और प्लांट मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये शायद अश्वगंधा का प्लांट है, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी भी काफ़ी होती हैं। इसका क्या प्राइस है? 50 रुपीज़ है, और ये भी आप लगा सकते हैं, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि मार्केट में आपने केवल दवाइयाँ देखी होंगी कि इसमें अश्वगंधा है, ये है। आज आप प्लांट देख लीजिए, ये देखिए प्लांट, और इसका ये बीज है, बीज से भी ये ग्रो हो सकता है, तो ये आप बाई कर सकते हैं 50 रुपीज़ में। अभी तक ये 2-3 प्लांट मैंने जो देखे हैं यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छे लगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके पास आती रहेंगी। चैनल पर बने रहे और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। इसी के साथ धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार।